उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी देहरादून में अभी तक स्वाइन फ्लू से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 8 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। वहीं 5 लोगों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग नींद से जागा और अस्पतालों को स्वाइन फ्लू के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए हैं। स्वाइन फ्लू पे इस समय जो हमारे पास सूचना है उसके अनुसार कल 2 मरीजों की सेंट एंड्रयूज हॉस्पिटल में डेथ हुई है, जो कि 4-5 दिन से वहां पर भर्ती थे। इस प्रकार से टोटल देहरादून में 5 डेथ हो चुकी हैं, जिसमें कि SMI में 4 डेथ और मैक्स हॉस्पिटल में 1 डेथ हुई है। इसमें ये जो डेथ हुई है ये अलग अलग जगह का थे, जैसे कि एक सहारनपुर का था, एक जखोली का था, प्रेमनगर और विकास नगर, एक हरिद्वार का था। हमारे द्वारा जो अधिकारी द्वारा जो है उनके जो डेथ हुई है जिनकी उनके जो कॉन्टेक्ट पर्सन हैं उनसे लगातार उनसे वार्ता की जा रही है कि किसी प्रकार की उनके संबंधियों में या उनके आसपास रहने वालों में किसी प्रकार की फ्लू से संबंधित कोई भी लक्षण प्राप्त होते हैं तो निकटवर्ती अस्पताल में जाकर उनका दिखाएं और इलाज कराएं। स्वाइन फ्लू के बढ़ते कहर से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। विभागीय अधिकारी वायरस के जिन लक्षणों को सामान्य स्थिति बता रहे हैं वहीं लक्षण जानलेवा साबित हो रहे हैं। बता दें कि स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।